अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस फ्रॉम विरार। दोस्तों आज विरार की सीरीज़ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ। हम ये वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, हाइकिंग और कैंपिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है विरार के करीब में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द ओनर हिमसेल्फ, एक बहुत ही अच्छा और नायाब शौक आपको दिखाने वाले। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों हमें आज अल मदीना गोट फार्म पे विरार के अंदर, आइए शुरुआत करते हैं इस टूर की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को सबसे पहले आपके बारे में। भाई ये देखिए अपना फार्म अल मदीना गोट फार्म जी, और भाई जैसे ये फार्म में रनिंग करता हूँ आसिम भाई जी। ये 2018 से रनिंग है भाई। सही है। और ये अपना विरार में लोकेटेड है ये फार्म। और भाई स्पेशलिस्ट अभी कॉन्सेप्ट हम लोग का पलाई का था भाई जी, और कुछ फीमेल है जिसके सोल्ड करनी है फीमेल, और बाकी अपना केजे सिस्टम सब बताने का था। सही, तो आइए एक वॉक कराऊंगा आपको। दोस्तों बाहर से देखने में तो लगता है कि हम एक बस घर के बाहर खड़े हैं, लेकिन जब अंदर चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे एक बड़े फार्म में तब्दील हो जाता है। ये पूरा फीडिंग रूम है इनका, ये सब इनकी फीड है जिसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से बिस्मिल्लाह बोल के एंट्री होती है अल मदीना गोट फार्म के। सो आप लोग लगभग 4 साल से रन कर रहे हैं फार्म? हाँ आसिम भाई। माशाल्लाह, मेरे को बहुत अच्छा लगा अंदर आते ही, जो एक सेटअप सामने आता है ना आपका, बहुत उम्दा। तो 4 साल के अंदर काफ़ी बदलाव भी देखे होंगे आपने? हाँ जी भाई, ये पहले कच्चा ज़मीन ही था, बट धीरे धीरे सब प्रोग्रेस हुआ इधर। सही, बकरियों का पूरा सेटअप है फीमेल का, है ना? हाँ भाई। इसके बाजू में आप देखेंगे तो बकरों का सेटअप आ जाएगा। बाजू में थोड़े मीडियम साइज के, तो 25 से 30 किलो के रेंज में जो बच्चे हैं जी, ये वो है भाई। और बहुत टॉप रिजल्ट्स मिल रहा है भाई आपको? हाँ भाई, रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। रिजल्ट मैं नहीं दे रहा हूँ भाई, बनने वाली चीज़ है भाई, बनाना अल्लाह की जात में। बहुत अच्छी बात है। और मैं बताऊँ कि ये हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ज़मीन ले कर बैठे हैं सेटअप के साथ में। और आज जो ये बात बताने वाले हैं आपको भाई, आपके यहाँ पलाई का रेट क्या है डायरेक्टली बताएं लोगों को? मेरे पास अभी 2000 रुपये रेट है। अंडू लो खस्सी हो 100 किलो का बकरा हो, 100 किलो का बकरा देखिए आसिम भाई कैसा है जी, 75 kg टिल उसका 2000 रुपये। सही है। और 75 के अगर अभाव जाता तो उसका 2300 है। फिर भी मतलब 300 रुपये में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं है, बट आसिम भाई कैसा ये फ्लैट ऑफर है, ये कैसा मेरा जवाब खुद का है आसिम भाई जी, पर्सनल हम लोग खुद रह रहे हैं, मेरे को कोई रेंट है। सही है, आपका आपका घर बाजू में, आप वो फैमिली है? मैं ओनर हूँ, मैं लेबर हूँ भाई। सही है। इधर के लिए और बाकी मेरे भाई अब्बा हम सब इधर ही। भाई ने मतलब पहले डॉक्टर के साथ काम किया आपने? भाई मैंने डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग लिया आसिम भाई, कम से कम 3 महीना मैंने सब सीखा, IV लगाना, दवा पानी, हर एक नाम एक चीज़ सीखा। पहले मैं जाना कि बकरे होते गया है। सही। और फिर उसके बाद मैं मेडिसिन में गया, मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही थी, फिर मैंने मेडिकल मतलब पूरा मेडिसिन एक्सपर्ट किया मैंने अपने आप को। तो उसके बाद मैंने बकरा देखा कि मैं अपने खुद के बकरे बना सकता हूँ कि नहीं, तो मेरे खुद के बकरे बने, फिर मैंने पलाई का कॉन्सेप्ट चालू किया। सही है। तो ये सब पलाई पे? अभी सब पलाई पे आसिम भाई, जितनी देख लो आप, 15-20 किलो के बच्चे आए थे आज, ये बकरे देखो आप, इनको रिजल्ट 100% आ रहा है। सिम्बा ऐसा भी नहीं कि एक भी बच्चे में थोड़ा सा पेट में खाली है, सब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खाली का गोल मटोले अपनी जी, ऐसा हिसाब है। सही है। ये देखिए आप, इसमें कुछ बकरियाँ आगे फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए इन लोग को साइड कर दिया गया है, इन लोग की फीडिंग अलग रहे। ये कभी भी बच्चे देंगी वो हिसाब से अलग रखा गया है। बच्चे इन लोग का अभी 1.5 महीना बचा है। कोई बकरा जो अगर गाले में नहीं जमता है तो उसके लिए ये सिस्टम है। खुटा है आसिम भाई, ये वेट मशीन है जी, ये फीमेल है, ये भी एक फीमेल है, वो भी एक फीमेल है। मज़ा आ गया। वेट मशीन है ये, इनका बोर्ड है अल मदीना गोट फार्म, मैंने खुद कन्वर्ट किया आसिम भाई। सही है। तो वही मैं तो मैं बाकी भाइयों को बोलता हूँ कि न्यू मशीन के चक्कर में मत पड़ो जी, उसका कॉस्ट हाई होता है। सही है। तो इसको आप कन्वर्ट करना सीखो, छोटा मशीन लेके वो मैंने कन्वर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 200 किलो तक का बकरा इस पर वजन होता है। तो वो आप इंशाल्लाह कोई पूछे तो बता देना, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा भाई, है ना? ये सब देखिए आप, पूरा प्लाईवुड का काम है जो एग्रेशन वाले बकरे होते हैं, जो अपने अंडूल होते हैं जी, तो मोस्टली क्या होता है ना, खस्सी बकरी देख के उन लोग एग्रेशन में आ जाते हैं। बराबर। तो ये सब पलाई मार के अपने अंडूल सेक्शन पूरा उठ जाए। और मैं एक बात और बता दूं, इनका फार्म जो है बहुत अच्छे लोकेशन पे भी है, ठीक है? भिवंडी से आना बोले तो 20 किलोमीटर पे आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ 23 किलोमीटर। 23 किलोमीटर, चलो। और अगर कोई भाई मुंबई से आता है जी, तो उसको डायरेक्ट एक ही हाईवे भाई, एकदम स्ट्रेट आने का। वाह, अब इनके अंडूल बकरे देखे आप,
सब बकरों में शाइनिंग आ रही है माशाल्लाह। ये सब पलाई पे भाई? सब पलाई पे। कितने केजेस खाली है भाई अभी अपने पास? भाई अभी 15 केजेस है। बहुत अच्छा ऑफर है, जिसको भी रखवाना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी भाई कोटा बकरे अपने पास बहुत आते हैं भाई। और मैं एक बात बता दूं, 2000 रुपये पलाई बकरा, इसको बाकी है महीने 4 या 5 महीना है अभी, तो हुआ 10,000 रुपये। ठीक है, आप बकरा लेके आए, 10,000 रुपये पलाई, जरूरी नहीं है कि एक साथ देना हो, है ना? नहीं, कोई नहीं, दे तो भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर पर मंथ भी पेड करेगा ना भाई जी, तो कोई मसला नहीं है। पंखे लगे हुए, लाइट लगी है माशाल्लाह, बहुत एग्रेसिव बकरा है। फुल मेंटल बकरे, इसीलिए अलग करा गया है। मतलब इतना बड़ा ऑफर दे रहे दोस्तों, 2000 रुपया पलाई। बकरों को आप खिलाते क्या अभी, उसके बारे में बताएं लोग। भाई बकरों को देखिए कैसे है, सबसे सवेरे ना अपना हरी पत्ती चालू रहता है जी, और उसके बाद अपना एक दलिया होता है असीम भाई। अच्छा, आप खुद बनाते हो दलिया? हाँ, वो दलिया मेरा खुद का है भाई। बहुत बड़ी बात है, दलिया खिलाते। और उसके बाद असीम भाई अपना मिक्स फीड रहता है। मिक्स फीड? हाँ, जिसमें प्रकार प्रकार के अनाज होते हैं, हर टाइप के उसके अंदर मिक्स फीड में अपना 4 किस्म का अनाज मिक्स फीड है जी। फिर और ऐसा भी नहीं कि अनाज नाम के लिए, बट उसका जो अपन मिक्स फीड करे तो उसका रिजल्ट और कितना प्रोटीन बकरों में जाएगा, तो सब कैल्शियम मार के तो मिक्स फीड बना हुआ। बकरों को कितना देते हैं? 1 किलो भाई? बकरों को 1 किलो और बकरियों को कम देते हैं? बकरियों को नहीं, बकरियों को सेम है, बट बकरियों की इसमें थोड़ा अनाज की क्वांटिटी कम है, कम ही देना पड़ता है। क्योंकि क्या है आसिम भाई, मकाई खाने से फैट बढ़ता है बकरियों में जी, तो डिलीवरी में मसले होते भाई। सही, तो दोस्तों मतलब फीडिंग में भी सब चीज़ नंबर 1। और तुअर भूसा भी दे रहे एक टाइम पे? तुअर भूसा भी देते, अभी बदल बदल के देते भाई। और कैल्शियम लिवर टॉनिक ब्रूटॉन के बारे में आपकी क्या सोच है? असीम भाई ऐसा है ना, अभी जब जिस दिन से बकरा आता ना भाई, तो उसको डीवॉर्मिंग सब करना पड़ता है, 3 ही दिन स्टार्टिंग के लिवर टॉनिक चलता है। इसके बाद भाई जो दलिया बनाता हूँ ना, तो उसमें कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर मिक्स कर दे। अच्छा, डेली जाता भाई, ऐसा एक भी दिन गैप नहीं है। एग्रीमेंट पाउडर, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एग्रीमेंट फूड भी डालते हो? एग्रीमेंट फूड वही डालते हो, तो वो रनिंग होता है भाई। मैंने मेरे जानवरों को कम से कम 2 महीना हो गए भाई, कोई दवा नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, दुआ करो। मैं बोल रहा हूँ बाकी पब्लिक भी उसको कॉन्सेंट्रेट करे, मेन बकरों अगर हेल्दी चाहिए ना भाई, पानी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सही है, जो भी पाले जो सेटअप हो रहा है, पानी जितना आप प्रोटीन का दोगे, ऐसा सादा पानी रखो तो जानवर भी पीता, बट उसमें कुछ दो एक्स्ट्रा ऐड करके। सही है, ये सब जानवर एक्टिव है आसिम भाई। बहुत अच्छे माशाल्लाह। और सब में भी ऐसा भी है आसिम भाई की वेट गेन नहीं है, हर बकरे माशाल्लाह मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज के भाई अपने पास छोटे बकरे तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये बकरी में अपन इसको शूट करेंगे। 2000 रुपये में बोला पलाई का, हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चे छोटे कुछ भी, ये देखिए 2000 रुपये में मैंने क्या चीज़ पालना। अब देखो इतना बड़ा, इतना बड़ा साइज का ये बकरा है, 2000 रुपये पलाई, 2000 रुपये अभी 73 kg पे लाई। गला पट्टी, कान, कान, अल्लाह मुबारक करे जो भाई का, ये बहुत शानदार चीज़ है। देखिए भाई 2000 में देखो क्या बकरा पल रहा है यहाँ पर। ऐसा ये 60 kg पे आया था आसिम भाई 4 महीने पहले। आके इनका फार्म विजिट करो, जल से जल बकरे दो, नहीं तो 15 ही kg सब फुल हो जाएंगे जी, है ना भाई? नहीं अभी देखिए, वो तो होना ही होना है भाई, अल्लाह की मर्जी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह के हाथ में भाई। और खस्सियों के लिए भी है सेटअप? खस्सी के लिए भी अगर कोई भाई, अगर मुझे मान लीजिए कोई 55-60 किलो अगर कोई खस्सी भी रहता है, हाँ, तो वो भी मैं केज में डाल दूंगा। केज मेरा है। केज का हिसाब 15 kg खाली है, जो आए अंडूरा खस्सी तो उसमें सबको पर्सनल रूम मिलेगा, सबको पर्सनल कैबिन है सर आसिम भाई। सही है, चलिए डाल दो इसको अंदर। दोस्तों 2000 रुपये में पलाई का रिजल्ट आपके सामने, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में इन विरार, जो ट्रेन से भी आ सकते हो आप, विरार से रिक्शा मिल जाएगा आपको, भिवंडी से 22 किलोमीटर है, आप आराम से आएँ। और अल मदीना गोट फार्म को आप चेकआउट करें, बकरी की पेटी वगैरह देखो आप, सब बकरे गोल है एकदम। सिम भाई ये बकरा आया था मेरे पास, तो जो भाई ने लिए थे तो इसका भाई पैर टूटा हुआ था। अच्छा, पीछे का मांडी का, तो ऐसे ही आया था, जिन्हों गए थे इसको लेने के लिए, पूरा बकरे का पीछे टांग खराब था, इसको 2.5 महीना हम लोग ने वर्क किया इसके ऊपर, पूरा पैर एक डॉक्टर को दिखाया, ट्रीटमेंट कराया, और पीछे पैर में FMD भी लग गया, बट आज अलहमदिल्ला देख सकते हो भाई बकरा किस कंडीशन, और जब से आया वेट भी लिया है इतना प्रॉब्लम में भी, मतलब बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छे पोटा इंशाल्लाह आसिम भाई, हम लोग इसका रिजल्ट अपन बकरी को शुरू करेंगे। सही, ये पोटा अपने पर्सनल इसका बहुत उम्मीद है,
दोनों बकरे बहुत साइज है बनने की, बहुत उम्दा उम्दा। खाने का बता दिया आपने, वैक्सीन का कैसा रहता है वो बताइए। आसिम भाई वैक्सीन कैसा रहता है हर सीजन के हिसाब से? तो पहला तो कोई कस्टमर अगर बकरा लाएगा तो मेरे को टाइम लगता है भाई बकरा सेट करने में जी। बकरा आते बरोबर भाई उसका फूड चेकिंग में फूड कटिंग होके तब वो केज में जाएगा, फिर उसके बाद बकरे को ऑब्जर्व करें 3 दिन तक नॉर्मल टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर आ रहा है तो उसको अलग कर दिया जाता है, टाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद भाई डी वॉर्मिंग रहता है, उसके बाद वैक्सीनेशन रहता है, फिर जब जानवर सेट होता है भाई कम से कम भाई जानवर सेट होने में मेरे हिसाब से 20 दिन लगता है भाई। क्या बीमारी आती है, बहुत सी बकरे बीमार होते हैं ना तो 2-3 दिन में सही हो जाती है, बट बहुत से बकरे टाइम लेते भाई, और कोई कोई बकरे अलहमदिल्ला होते नहीं ऐसा हिसाब से, कितना भी ट्रैवलिंग से थके माने हैं बट उनको 1-2 दिन आराम मिलता, बकरे सेट रहते ही है। सही है, बाकी इम्यूनिटी का कमाल है असीम भाई, जिसको जितना जान है वो उतना सर्वाइव करता है। तो आपके यहाँ बकरे पलाई पे रखना काफ़ी यूजफुल रहेगा लोगों के लिए? असीम भाई ऐसा है, जो अपने भाई है जिनको शौक है केजेस का जी, कि नहीं मेरा बकरा केज में रह रहा है, तो 2000 रुपये में भाई एक अच्छे साइज का केज उनको प्रोवाइड हो रहा है, आजू बाजू भाई पूरा पलाई है, जानवर खाए इधर का उधर ना देखे, ये सब एग्रेस जो बकरे एग्रेशन में रहते ना ये वो साइड के लिए बनाए भाई, जो शांत रहते उसको इधर किया। समझ रहा हूँ मैं, आपने पूरा सिस्टमेटिक काम किया, सिस्टमेटिक किए भाई। 2000 रुपये में भाई आपको केज अवेलेबल हो जाएगा, और ये भाई जमीन से भी एलिवेटेड है, बहुत अच्छा है, मेरे को क्लीनिंग करने में भी अच्छा, बात अंडुल बकरे गंदे नहीं होते, साफ नीचे रहता, पीलापन नहीं आता सफ़ेद बकरों में, बहुत अच्छी बात है। ऐसा हिसाब है भाई, सब जितना अभी कोटे तो भाई मेरे पास अलहमदिल्ला बहुत है, वो भी सब अच्छे है इसमें। अब ये सब देखिए भाई, सब अभी अभी रिसेंटली आए, बहुत अच्छे फुल ब्लैक में, सब अच्छी कंडीशन में बकरा, सब भाई जानवर एक भी असीम में थोड़ा सा भी होते ना कि बुखार इधर में नहीं है, सब अलहमदुल्ला पूरे जानवर सेट है, कोई एक छोटी सी भी तकलीफ नहीं है। सही, ये देखिए ये खस्सी में है गुजरी, तो इसको भी केज है भाई, ये बाहर निकल जाते हैं ना? हाँ ये बाहर निकल जाते हैं, हम लोग की अभी कैसा है तारीख बोल के भाई सब बाहर आ जाते हैं, बाकी आप देख सकते हैं भाई। सही है, मतलब 2000 रुपया बहुत बड़ा ऑफर है, मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर बकरे रखें आप, है ना? और बकरे बेचने को भी लाते हो आप भाई? भाई बेचने के कैसा रहता है, जो मेरे पर्सनल कलेक्शन रहते हैं वो सोल्ड आउट करते हैं, और बाकी जो कस्टमर है भाई ये सोल्ड करके दे दो तो वो भी हम लोग कर देते कर देते ऐसा नहीं कि भाई क्यों बेच रहे हो क्या मसला हो गया, वो सब कोई हिसाब नहीं रहता। सही, और किसी को अगर आना है यहाँ पर तो कार से तो काफ़ी आसान है, हाईवे से आसान है भाई, बाइक से तो ऑन द वे मुंबई से बहुत नज़दीक है, ट्रेन से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, भिवंडी से आ सकते हैं, बाकी कैसा ड्राइविंग के लिए आप व्हीकल से आओगे अच्छा रहता भाई। सही, और आप एक बार आपका नंबर दे दें लोगों को। जी आदम भाई 9090222-3992-8 ये भाई का नंबर है भाई, इस पे व्हाट्सएप है मेरा जी, और एक नंबर मैं आपको देता हूँ जो न्यू नंबर है, कॉलिंग का अलग नंबर, कॉलिंग का अलग नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग। भाई बकरे देख सकते हो आसिम भाई सब सुकून से बैठे, वही देख रहा हूँ मैं, सब बकरियाँ भी मस्त है एकदम, सब बच्चे सुकून से बैठे हुए, और ये अगर आसिम भाई डानियन बरबरा अगर कोई देना चाहेगा मेरे पास तो आसिम भाई सिर्फ 5 प्लेटफॉर्म खाली है, तो मतलब एग्जॉटिक में आते, अगर कोई मेंढा भी देता तो मेंढा भी अपन तैयार करके दे सकते हैं इंशाल्लाह, आपकी फीडिंग के हिसाब से पक्का तैयार हो जाएगा मेंढा। जी भाई अगर फीडिंग तो देखिए मेंढा अलहमदिल्ला भाई हर महीने वेट गेन होता है। सही असीम भाई, मैंने 12-12 किलो के मेरे अब्बा ने बच्चे लाए थे जी, हम लोग ने भाई 14 महीने में भाई उसको 80 कर दिए थे माशाल्लाह, तीनों बच्चे थे सब थोड़ा अप डाउन थे मतलब क्वालिटी के हिसाब से, बट 80, 75, 79 kg थे सब मेंढे थे, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेंढो में, मेंढो में कैसे आसिम भाई मेंढो में रिजल्ट आते ही आते भाई, 2 किलो मेंढा बोले तो कोई रिजल्ट नहीं, 4 किलो भी रिजल्ट नहीं, मेंढे में 5-6 किलो का हर महीने एक्सपेक्ट पकड़ना चाहिए, उस मेंढे नहीं पकड़ते, 1-2 महीना ग्रोथ नहीं रहता, बट एक ही झटके में हम लोग ग्रोथ ले लेते। सही, अब बकरों में भी यही तासीर है भाई, सही, जिसको क्लाइमेट प्रूफ नहीं होता, जिसको मौसम एक टाइम रहता बढ़ना होगा बकरे का भी, आज ये बच्चा है मैंने ये वीडियो लगाया बोला भाई 38 kg में, फिर एक महीने पे लगा 38 है, बट नेक्स्ट में मतलब रिजल्ट नहीं आया इसका अपना, बट उसके बाद से ये एक ही बैग ग्रोथ पकड़ते हर जानवर। सही, ऐसा ऐसा वो बच्चे आसिम भाई थोड़ा बढ़ने में टाइम लेते, और बच्चे बनते भी अच्छा, एक बार सेट हो गए ना जानवर
जो छोटे स्मॉल साइज़ के जो 30 kg के बच्चे 35-45 kg के एक बार सेट होते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रुकते नहीं है, फिर बनते जाते बट इन लोगों को सुकून चाहिए आसिक में, सुकून है ना भाई जानवरों को खाने पानी, उसको पता रहना चाहिए कि मेरा डेली रूटीन क्या चलने वाला है, तो उस हिसाब से भाई जानवर फुल एक्टिव रहते हैं खाने पानी में, और वेट गेन तब भी मिलेगा भाई। सही, आप अनाज खिला दो वेट गेन नहीं मिलेगा जब तक जानवर खुश नहीं रहता है, तो मेन जानवर खुश रहेगा ना कंफर्ट जोन में रहेगा तो वो खुद बे खुद वेट उठाएगा भाई। सही, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता बकरों पे, ऐसा हिसाब है। अब बाकी बनना ना बनना भाई अल्लाह की जात है भाई, हम लोग 100% देते भाई 24/7 में यही हूँ। सही, आप रहते ही यहाँ हो तो रहते ही यहाँ हूँ मैं भी फैमिली के साथ, 24/7 हम लोग यहीं रहते भाई। और दूसरी बात भाई आसिम भाई, रिजल्ट आता है तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई मैं बना के लिया, तो बकरा बनने वाला चीज़ था वो बना भाई, उसकी क्वालिटी बोली, मेरी मेहनत नहीं बोली, मेरा काम है भाई 2-3 times फीडिंग करना, 1-2 times पानी पिलाना, अब बाकी बकरा बना भाई वो उसके क्वालिटी पे डिपेंड है, अल्लाह की मर्जी है बाकी सब, अल्लाह की मर्जी है भाई। सही है, बट जैसा उसमें हम लोग को कुछ हाथ नहीं है, हम लोग केयर टेकिंग है भाई, हम लोग बकरे पलाई पे लेते, शौक करते, खुद का भी कस्टमर लोग का भी करके देते उसमें लो बजट में। सही, मैं सोचता हूँ भाई रिजनेबल पलाई रहे, अब रिजनेबल भी नहीं रहता भाई मेरा, बट मैं ये बात एक बार और दोहराना चाहता हूँ भाई, ये मेरा खुद का है भाई, मई लेबर मई ओनर हूँ, हम लोग जो सुबह से लगते हैं ना सिमर 7 बजे, ये डायलॉग अच्छा है, मई लेबर मई ओनर, हाँ मई ओनर हूँ, ये गूगल में डाल देंगे। आज तो मैं इस पे आ गया, वरना मैं टी शर्ट और नाइट पैंट, बाकी मेरे आपके एक कस्टमर या मेरे कस्टमर मेरे को देखते टी शर्ट नाइट पैंट पे ही रहता हूँ मैं पूरा 24/7। और ऐसा भी नहीं कि भाई हम लोग फार्म रात को भी अपन लोग चक्कर डाउन राउंड मारते रहते, 12 बजे के बाद हो गया है रात को, आधी रात में आँख खुला सुबह खुला तो राउंड मारते ही रहते भाई, सब चेक कर, कुछ कोई किसका रस्सी तो नहीं फंसा, कोई अंडरों कोई तकलीफ नहीं, कोई किसको कुछ, तो हम लोग सब प्रेजेंट रहते भाई, ऐसा हिसाब है। और खुदा ना करता मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ता तो अब्बा और भाई पूरे फैमिली है तो सब यही है भाई। सही, ऐसा हिसाब। चलिए, बहुत ओपनली आपने सब बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपके नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी आसिम, अभी हम लोग कुछ बकरियाँ देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सोल्ड के लिए आसिम भाई वो भी रिजनेबल प्राइस में। सही है, अपन वो बकरी दिखा देते फिर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम भाई।